हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर न्यू फ्रेश वीडियो। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूँ नीट रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, 5 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके जस्ट बाद ही आप सभी के रिप्लाई आना शुरू हो गए थे कि नीट के रिजल्ट के अंदर सर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और हमारे रिवाइज आंसर की के अंदर जो नंबर बन रहे हैं उससे कम नंबर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात मान लेते, अगर सभी के नंबर कम होते, 15 या 20 नंबर कम होते तो मान लेते भाई सभी के नंबर जो है कम हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, किसी के 20 नंबर कम हुए हैं तो किसी के 50 नंबर कम हुए हैं तो किसी के 80, तो किसी के 100। और यहाँ पर कुछ बच्चों का तो ये भी कमेंट आया कि सर मेरे 150 नंबर कटे हैं, मेरे 200 नंबर कटे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ का न्याय है? किसी के कम नंबर काटे जाने तो किसी के ज़्यादा नंबर काटे जाने। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि इस रिजल्ट के अंदर जो है गड़बड़ी हुई है, ये बात साफ पता लग रही है। नीट रिजल्ट में बड़ी धांधली हुई है फ्रेंड्स। अब रिजल्ट जो है आपका दोबारा से जारी हो सकता है, पूरे चांसेस बन गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो फ्रेंड्स कोर्ट के अंदर केस कर दिया है नीट के खिलाफ, केस कर दिया गया है और अब जो है कोर्ट पहुंच चुका है ये नीट का रिजल्ट। और एनटीए हेड ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे छात्र जो हैं फ्रेंड्स वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर, बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है वो प्रेस टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी एनटीए हेड ऑफिस के इर्द गिर्द रह रहे हो या आप गए हुए हो तो आप ज़रूर वहाँ पर पहुँच कर प्रोटेस्ट को सफल बनाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो है एक डाटा भी दिखाऊंगा। मैंने जो है एक वोट पोल किया था जिसके दौरान आपने जो है कमेंट किया और वोट किया कि आप ये जो नीट का रिजल्ट है इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई, और हुई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, इस रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जो है अन्य खबर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है ये 18 आवर्स एगो पहले एक वोट पोल जारी किया था, नीट रिजल्ट रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक तो मैंने लिखा था हाँ रद्द होना चाहिए, एक नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 87% बच्चों का आया है कि हाँ रद्द होना चाहिए। और फ्रेंड्स, कट ऑफ भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई गई थी, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि 97 से 98% नंबर लेके आना वो भी कम्पिटिटिव टेस्ट में बहुत बड़ी बात होती है। फ्रेंड्स, ये तो 10th और 12th में भी नहीं आ पाते इतने नंबर, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पेपर इतना ईजी भी नहीं था कि इतने नंबर ले जा सकें, तो कैसे आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं धांधली जरूर हुई है फ्रेंड्स, इस बात का न्याय चाहिए हमें। वी वांट जस्टिस, हाँ रद्द होना चाहिए। इसने 87% बच्चों का जो है ये वोट पोल आया है और इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे पेरेंट्स भी शामिल हैं। चलो, हो सकता है कि बच्चों पर आपको विश्वास ना हो, हो सकता है उन्होंने झूठ बोल दिया हो, लेकिन मैंने कमेंट पढ़े हैं, खुद पेरेंट्स से बात की है, उनके साथ ऐसा हुआ है और कुछ तो मेरे साथ ही हैं दोस्त, उनका उनकी जो आंसर की मैंने मिलाई है और फिर उनका स्कोर चेक किया है तो कम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब जो है ये भर्ती हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, आपको जल्द ही न्याय मिलेगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनटीए हेड ऑफिस पहुँचे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पहुँच चुके हैं। और जितने ज़्यादा हो सके एनटीए को ईमेल करें, ईमेल मैंने भी बहुत से कर रखे हैं। आप जो है जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उतनी करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से छात्र जो हैं इस बात को लेकर निराश हो गए हैं कि नंबर कट गए तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, और उनको पता नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो आप इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके और वो सभी जो है प्रोटेस्ट में शामिल हो और इस नीट के रिजल्ट को कैंसिल करवाए। या तो हमें नीट रिजल्ट कैंसिल करवा करके अच्छे से रिजल्ट चाहिए है, और या फिर जो है रीनीट करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और एनटीए को आप क्या कहना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि नहीं एनटीए की जगह सीबीएसई दोबारा से रिप्लेस हो? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।